इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन मेरी और मेरी टीम की रिसर्च एक्सपीरियंस एंड हम जैसे कई आम यूजर्स के एक्सपीरियंस एंड रिव्यूज पे बेस्ड है। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन एंड रिकमेंडेशन पे किसी भी ब्रांड या व्यक्ति विशेष का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वापस स्वागत है सुमित YPF की एक नई एयर कंडीशनर की वीडियो में, जहां आज मैं आपको अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के बेसिस पे लेटेस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस वाले 2-टन 3-स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर रिकमेंड करूंगा। एंड इस वीडियो में मैं कोई भी यहाँ पे बेसिक या फिर जो मार्केटिंग वाले फीचर्स होते हैं उनको हाईलाइट नहीं करूँगा। इस वीडियो में मैं आपसे टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन एंड रिकमेंडेशंस शेयर करूंगा विथ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिससे मैं आप सभी की नीड्स को फुलफिल कर पाऊँ अपने रिकमेंडेशन से। बाकी इन सब के अलावा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको यहाँ पे एयर कंडीशनर के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप एक बार ये वाली वीडियो ज़रूर देख लो। इस वीडियो में मैंने एयर कंडीशनर के हर एक बेसिक से लेके सेल्स पर्सन की हर एक चीप मार्केटिंग तक कवर की है, जिससे आप यहाँ पे एक सही एसी चूज कर पाओ और आपको यहाँ पे कोई भी एक गलत एयर कंडीशनर की तरफ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। नाउ अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस फ्रेंड सुमित के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि करेंटली यहाँ पे मोस्टली ब्रांड के तरफ से हमें कोई भी ट्रू 2-टन एयर कंडीशनर देखने के लिए नहीं मिलता, फिर चाहे वो LG, डाइकिन, सैमसंग, पैनासोनिक, कैरियर या फिर कोई अदर ब्रांड क्यों ना हो। यहाँ ऑलमोस्ट हर AC 1.8 टन या 1.7 टन की 100% कूलिंग कैपेसिटी के साथ ही आता है, जिसे यहाँ पे 2 टन बोल के बेचा जाता है। नाउ अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट के फर्स्ट AC के तरफ, जो है कैरियर 1.8 टन AC, जिसकी आयशर वैल्यू है 3.90 की, जिसमें हमें 4 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाते हैं 0.9 टन से लेके 1.9 टन तक। और इस AC को रिकमेंड करने के रीजंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेप्यूटेड ब्रांड कैरियर का एयर कंडीशनर है एंड जो कैरियर की रेपुटेशन यहाँ पे एयर कंडीशनर स्पेस में वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ कैरियर के एयर कंडीशनर से हमें काफ़ी रिलायबल एंड अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और मैं भी यहाँ पे इसे अपनी रैंकिंग में top 3 टीयर में रेट करता हूँ। सेकेंड, इसकी इवेपोरेटर पे हमें हाइड्रो ब्लू कोटिंग मिलती है एंड वहीं इसके कंडेंसर पे हमें एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन मिलती है, विच इज़ एपॉक्सी कोटिंग ऑन इट्स कॉपर पाइप। थर्ड, इस AC की एयर फ्लो भी इस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है 700 CFM की। फोर्थ, इस AC पे वारंटी है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, 5 ईयर्स की ऑन इट्स PCB एंड 10 ईयर्स की ऑन इट्स कंप्रेसर। और इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, इन्हें मैं हाईलाइट करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझता। बाकी यहाँ पे इस AC में 2 रिमार्क है। फर्स्ट, इसमें हमें सिर्फ 2-वे ऑटो स्विंग मिलता है, जो देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में कॉमन है, हर ब्रांड में इस रेंज में यही सेम सिनेरियो है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि कैरियर की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो हर छोटी सिटी में इतनी परफेक्ट नहीं है, तो आपके एरिया में कैसी सर्विस रहेगी कैरियर की, इस पे आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। और वैसे अगर आपको ये कैरियर का एयर कंडीशनर नहीं लेना तो इसका यहाँ पे एक अल्टरनेटिव है ब्लू स्टार 1.8 टन AC, जिसकी आयशर वैल्यू भी सेम 3.90 की है। इसमें भी हमें 5 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाएंगे एंड इस AC की हाइलाइट्स है वो ये हैं। फर्स्ट, इसमें हमें बोथ कंडेंसर एंड इवेपोरेटर पे ब्लू फिन मिलती है। सेकेंडली, ये एक स्मार्ट रेडी AC है, विच मीन्स अगर आप चाहो तो इस एयर कंडीशनर को एक स्मार्ट वाईफाई इनेबल एयर कंडीशनर बना सकते हो। इसके लिए आपको एक एडिशनली डिवाइस एयर कंडीशनर के अंदर इंस्टॉल करवानी पड़ेगी ब्लू स्टार से, जिसका कॉस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा। बाकी हम इन दोनों AC के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करें तो ये AC जिस प्राइस में आते हैं उसकी ये 100% वर्थ आपको प्रोवाइड करेंगे, इस बात में यहाँ पे कोई भी दो राह नहीं है। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे AC हैं जो अच्छी एंड रिलायबल परफॉर्मेंस के साथ आते हैं विद 5 ईयर्स ऑफ PCB वारंटी। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट AC की बात करें तो वो है पैनासोनिक 1.79 टन एयर कंडीशनर, जिसकी आयशर वैल्यू है 3.95 की। एंड ये AC हमारे प्रीवियस AC से बेटर ऑप्शन है, लेकिन यहीं पे आपका ऑब्वियस क्वेश्चन बनेगा कि क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस AC का कंप्रेसर यहाँ पे प्रीवियस AC से ज़्यादा रिफाइन है। इस AC की मैक्सिमम कूलिंग है ऑलमोस्ट 2 टन की एंड मिनिमम है 0.8 टन की, और इस AC में भी हमें 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाते हैं। सेकेंडली, इस AC में हमें शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी मिल जाती है इसके इवेपोरेटर एंड कंडेंसर दोनों पे। थर्ड, ये एक वाईफाई कंपैटिबल AC है, जिसे हम यहाँ पे Amazon Alexa, Google Assistant या फिर इनके खुद के मिराल एप्लीकेशन के थ्रू पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज करके कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसमें भी हमें सेम वारंटी पैकेज मिलता है एंड इसमें भी यहाँ पे सिर्फ 2-वे ऑटो स्विंग ही है।
इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। और वैसे अगर आप यहाँ पे 5 इयर्स की पीसीबी वारंटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो हमारे पास यहाँ पे इस पैनासोनिक एसी से बेटर ऑप्शन है सैमसंग 1.7 टन एसी जिसकी आयशर वैल्यू है 4.06 की। एंड यहाँ पे अगेन आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्यों। सो फर्स्ट, इस एसी के कंप्रेसर से हमें वाइडर फ्रीक्वेंसी रेंज मिलती है एज कम्पेयर टू पैनासोनिक एसी। इसकी मैक्सिमम कूलिंग है 2.1 टन की एंड मिनिमम है 0.34 टन की। और साथ ही में इसमें भी हमें 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाते हैं। सेकेंडली, इस एसी में हमें एयर फ्लो भी बेटर मिलता है 681 CFM का। एंड साथ ही में इसमें हमें साइलेंट ऑपरेशन और 4-way ऑटो स्विंग भी मिलता है। थर्ड, ये भी हमारा एक स्मार्ट एंड वाईफाई कंपैटिबल एसी है। एंड साथ ही में इसमें भी हमें दोनों कंडेंसर एंड इवेपोरेटर पे एंटी कोरोसिव फिन मिलती हैं। एंड एडिशनली मुझको इसकी इंडोर की प्लास्टिक क्वालिटी एंड रिमोट की क्वालिटी बेटर लगी पैनासोनिक एसी से। बाकी आफ्टर सेल सर्विस का तो आप जानते ही हो कि किसकी बेटर होगी। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट एसी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको यहाँ पे ये एयर कंडीशनर ऑफलाइन मार्केट में सही प्राइस में मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन ले रहे हो, किसी सेल वगैरह में ले रहे हो, तो आप मेरी यहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट की एफिलिएट लिंक के थ्रू इन्हें परचेस करके इस टाइप के अनबायस्ड टू द पॉइंट वर्ल्ड स्ट्रक्चर कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपका एक भी एडिशनली पैसा खर्च नहीं होगा। नाउ अब इसके बाद यहाँ हम आगे बढ़े तो अपने पास यहाँ पे दो और ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है यहाँ पे डाइकिन 1.7 टन एयर कंडीशनर जिसकी आयशर वैल्यू है 4.0 की। एंड पर्सनली इस एयर कंडीशनर मुझे ऐसा कुछ यूनिक नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे मैं आपका काफ़ी कम समय लूँगा। बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक वेल रेपुटेड ब्रांड का एक ऐसा एसी चाहिए जिसमें यहाँ पे 5 इयर्स की पीसीबी वारंटी हो एंड साथ में 4-way ऑटो स्विंग भी हो, तो आप इस एयर कंडीशनर को कंसिडर कर सकते हो। मैं यहाँ इस एसी को बेस्ट नहीं बोल सकता क्योंकि ना तो इसका एयर फ्लो इतना बढ़िया है, ना ही इसकी 100% या मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी किसी अदर कॉम्पिटिटर से बेटर है, एंड ना ही इसमें हमें कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं। बाकी मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि ये एयर कंडीशनर अच्छा नहीं है, डेफिनेटली ये एक अच्छा एसी है। ये वन ऑफ द बेस्ट एयर कंडीशनर ब्रांड का प्रोडक्ट है जो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा। बट जैसे नंबर की उम्मीद मैं यहाँ पे इस एसी से रखता हूँ इसको बेस्ट बोलने के लिए, वो इसके पास नहीं है। एंड इसी तरह अपने पास LG 1.79 टन AC भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसे मैं अनडाउटेडली बेस्ट परफॉर्मेंस वाला एयर कंडीशनर बोल सकता हूँ मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में। लेकिन यहाँ ये AC अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा। और वैसे अगर आपका कोई बजट इशू नहीं है, आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। ये दी बेस्ट 2-ton 3-star इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। इसमें भी हमें 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं। सेकेंडली, इस एसी के हीट एक्सचेंजर्स पे हमें ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन दी गई है। थर्ड, इसका एयर फ्लो भी वन ऑफ द बेस्ट है 706 CFM का, और साथ ही में इसमें 4-way ऑटो स्विंग भी है। एंड इस एसी पे भी हमारी सिमिलर वारंटी है 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव, 5 ईयर्स की ऑन इट्स पीसीबी एंड 10 ईयर्स की ऑन इट्स कंप्रेसर विद गैस चार्जिंग। और वहीं आफ्टर सेल सर्विस की बात रही तो वो भी LG की वन ऑफ द बेस्ट है ही। बाकी अब इसके बाद अगर आपको बजट में एक बेस्ट एसी चाहिए तो आप यहाँ पे गोदरेज 1.7 टन एसी को कंसीडर कर सकते हो जिसकी आयशर वैल्यू है 3.90 की, एंड इसमें भी हमें 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाते हैं। सेकेंडली, इसमें भी हमें एंटी कोरोसिव ब्लू फिन मिलती है इसके कंडेंसर एंड इवेपोरेटर दोनों पे। थर्ड, इसका एयर फ्लो भी वन ऑफ द बेस्ट है 710 CFM का। एंड फोर्थ, दी बेस्ट थिंग इज कि इस प्राइस रेंज में होने के बाद भी इसमें हमें 1 ईयर ऑफ कॉम्प्रेहेंसिव, 5 ईयर्स ऑन PCB एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर जैसा शानदार वारंटी पैकेज मिलता है, जिसके वजह से बजट में ये बेस्ट ऑप्शन बन जाता है गोदरेज के इतने सालों के भरोसे के साथ। बाकी इन सब के अलावा यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको अपना मनपसंद एयर कंडीशनर नहीं मिला, आपको और ऑप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हो। और वहीं अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन चाहते हो तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि आपको क्या करना है। इसके अलावा इस फॉर्मेट में आप अपने क्वेश्चन पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाइज ले सकते हो।